ट्रू प्योर यूनिलेटरल गायनेकोमेस्टिया के अंदर कंटेंट क्या होता है? दोस्तों सबको डर रहता है कि ये ट्रू है या स्यूडो गायनेकोमेस्टिया है, और यूनिलेटरल होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है वो ट्रू गायनेकोमेस्टिया होता है। आज मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि अंदर से कंटेंट क्या निकलता है। तो ये प्योर ग्लैंड है जो हमने सिंगल की होल से जीरो स्कार टेक्निक से निकालेंगे। तो ये प्योर ग्लैंड है, आप देख सकते हो कि कंप्लीटली प्योर ग्लैंड है, बिल्कुल भी ब्लड अंदर से नहीं निकलता है। हम ट्यूमिसेंट एनेस्थेसिया इसमें इन्फिल्ट्रेट करते हैं। तो ये जो है ये पूरा ग्लैंड है। आप कितना भी एक्सरसाइज करोगे, कितना भी जिम करोगे, कितना भी डाइटिंग करोगे, कितनी भी होम्योपैथी मेडिसिन लोगे, कितनी भी एलोपैथी मेडिसिन लोगे, ये कंटेंट आपका निकलने वाला नहीं है। अगर ये बॉदर कर रहा है तो ये सिंगल की होल से आपको निकालना पड़ता है। अगर ये बॉदर नहीं करता है तो आप इसको छोड़ दीजिए, पर इसका एक ही इलाज है, इसको निकालना पड़ता है। निकालने के लिए प्लास्टिक सर्जन इसमें बेस्ट डॉक्टर माने जाते हैं, और कोई डॉक्टर के पास मत जाइए। अगर यूनिलेटरल गायनेकोमेस्टिया है तो सोचना छोड़ दीजिए, और सोचना नहीं छोड़ पा रहे हो तो इसकी सर्जरी करा दीजिए। ये बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है, 15 मिनट में यूनिलेटरल गायनेकोमेस्टिया हमने ख़त्म किया है, और इसकी जिंदगी की पूरी तकलीफ हम ये दूर कर दी। तो कुछ भी कंफ्यूजन है, क्वेरी है, यूनिलेटरल गायनेकोमेस्टिया है, बायलेटरल है, टीनेज गायनेकोमेस्टिया है, ओबेसिटी में है, आपको और कोई डिसीज़ है, अगर आपको आर्मी नेवी के लिए प्री मेडिकल के लिए गायनेकोमेस्टिया की तकलीफ है, और आपको क्लाइनफेंटर सिंड्रोम या और कोई सिंड्रोम के साथ गायनेकोमेस्टिया है, आपको ग्रेड 3 गायनेकोमेस्टिया या छोटा सा गायनेकोमेस्टिया, हर गायनेकोमेस्टिया का एक ही इलाज है, सर्जरी और जीरो स्कार टेक्निक से हम ये कर सकते हैं। कन्फ्यूजन है, क्वेरी है, टीम का कॉन्टेक्ट करो, आपको समझाएंगे कि क्या क्या ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।